हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक या एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसे यूज करके आप हमारी अल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक के सभी चैप्टर्स और पोएम्स के राइटर का नाम अच्छे से चैप्टर वाइज याद रख पाओगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सिर्फ इसे एक बार अच्छे से देख लेने से ही आपको सभी राइटर्स के नाम याद रह जाएंगे। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो भी राइटर्स हैं और पोएट्स हैं उनका नाम हमें अच्छे से याद नहीं रह पाता है, ये और इसमें से एक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। पर हमें ये बात पता होने के बावजूद हम सिर्फ एक बार एग्जाम हॉल में जाते वक्त पहले ही उसे एक बार आंख फेर लेते हैं और फिर सभी के नाम में कंफ्यूज होकर गलत आंसर लिखकर आ जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपको उन पोएट्स और राइटर्स के नाम जरूर याद रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो सीक्रेट टेक्निक क्या है। तो दोस्तों, ट्रिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे आपको ध्यान से सुननी है। तो एक बार क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ चल रहे होते हैं और वो उनकी नजर अचानक से डेफोडिल्स पर पड़ती है। तो वो उन डेफोडिल्स को देखने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। वो देख रहे होते हैं उन डेफोडिल्स की सुंदरता को, तभी अचानक से डेफोडिल्स झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं? क्योंकि ऑटम सीजन आ जाता है और उनके पास फैज अहमद फैज आकर के बैठ जाते हैं। वो दोनों मिलकर देख रहे होते हैं कि कैसे एक एक करके डेफोडिल्स ऑटम सीजन के आने के वजह से झड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उन दोनों को बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और वो लोग उस आवाज को लिसन कर रहे होते हैं और वो लोग लिसनर्स हो जाते हैं। सुनते सुनते अचानक से एक अजीब नाम वाला आदमी वहां पर आ जाता है, वाल्टर डेलामेयर। और लास्ट में सब लोग शाम होने लगती है, इसलिए अचानक से उनको गो गो करके आवाजें आने लगती है और वो लोग उस समय बात कर रहे होते हैं अपने जमाने की, वंस अपॉन ए टाइम, ऐसे करके वंस अपॉन ए टाइम के बारे में, अपने जमाने के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं। और गो गो जो आवाज आ रही थी वो बोल रहे थे गैब्रियल उकारा, जी ओ गैब्रियल उकारा। तो दोस्तों, ये ट्रिक थी पॉइंट्स को याद रखने की। मैं जानता हूँ ये थोड़ी सी अजीब है, लेकिन इस ट्रिक से आपको बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगी, इस स्टोरी से आपको बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट्स के नाम याद रह जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ डेफोडिल्स देख रहे होते हैं, तभी अचानक से ऑटम सीजन आने की वजह से वो डेफोडिल्स झड़ने लग जाते हैं और वहां पर फैज अहमद फैज भी आ जाते हैं। इसके बाद में उन दोनों को अचानक से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और वो आवाज लिसनर्स के द्वारा थी। तो वो लोग इसके बाद में वाल्टर डेलामेयर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर तीनों अपने जमाने के बारे में वंस अपॉन ए टाइम करके अपने बातें कर रहे होते हैं और लास्ट में शाम होने के कारण गैब्रियल उकारा गो गो बोल रहे थे, जी ओ, जी फॉर गैब्रियल एंड ओ फॉर उकारा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे पोएम्स के पोएट्स का नाम सीखने की कहानी। अब हम जानेंगे वो कहानी जिससे कि हम जो प्रोज है उनके राइटर्स का नाम समझ सकते हैं या उन्हें याद रख सकते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है और उस गर्मी में एक लड़के को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वो अपने पापा को जाकर कहता है कि पापा पापा एसी लगा दीजिए। तो इसलिए द सूटेड पापा के राइटर का नाम एसी, मतलब एंटोन चेकोफ। फिर उसके पापा उसको गार्डन में लेके जाके बोलते हैं कि बेटा एसी नहीं, ये ताज़ी ताज़ी जो हवा आ रही है इसे खाओ। और वो वहाँ पर उस लड़के की पिटाई भी कर देते हैं एसी के बात पर और वो सभी रूल तोड़ देते हैं। इसलिए द रूल ऑफ द रूल के राइटर का नाम है एजी गार्डिनर। और उसके बाद में वहाँ पर उस लड़की को बहुत सारी तितलियाँ दिखती है, द मैनी एंड द नन। और वहाँ पर पॉइंट राइटर भी इस चैप्टर के दो राइटर हैं, बंसुरी तनीजा एंड आशीष कोठारी। और लास्ट में वो लड़का अपने बॉक्स पर जिसके ऊपर जॉनसन का स्टिकर लगा होता है उसको अपने बैग में डालता है और स्कूल के लिए चला जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है बॉक्स एंड कॉक्स, जिसके राइटर का नाम है जॉन मेडिसन मॉर्टन।
तो फ्रेंड्स यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।